बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने समीक्षा बैठक की। संभावित बाढ़ सुखाड़ की पूर्व तैयारियों, जल जीवन हरियाली अभियान और जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक करके विस्तृत चर्चा की। हालांकि सह प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि संभावित बाढ़ के प्रभाव को कम से कम करने को लेकर सरकार दृढ़ संकल्पित है और पूरी गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर पूरी सहजता के साथ पीड़ितों को राहत उपलब्ध हो, इसको लेकर पूरी गंभीरता के साथ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी सहजता और तेजी के साथ सभी पात्र किसानों के खाते में डीजल अनुदान की राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ दोनों ही स्थितियों के आलोक में वैकल्पिक फसल योजना के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और उसके पहले जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में अब तक की गई संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। संभावित बाढ़ सुखाड़ की तैयारियों पर चर्चा की। मंत्री लेसी सिंह का अधिकारियों के साथ में मंथन हुआ। समीक्षा बैठक करके तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। पीड़ितों को समय पर राहत उपलब्ध हो, इसको लेकर भी कहा। हर वर्ष बाढ़ पूर्व बाढ़ सुखाड़ की तैयारी के सिलसिले में राज्य स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हर डिपार्टमेंट के जो आपदा प्रबंधन में जो डिपार्टमेंट है उससे जुड़ा हुआ मंत्री और सचिव के साथ बृहद बैठक और जिसमें सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक कमिश्नर आते हैं, उसको बृहद निर्देश दिए जाते हैं, बृहद बैठक होती है और फिर जिले में जो प्रभारी मंत्री हैं उनको जाना होता है और उसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। सभी माननीय विधायक, विधान पार्षद, सभी नगर निगम नगर निकाय के सभी प्रतिनिधि ने भाग लिया।